दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब हम रिश्तेदार भी बन चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस। मैं भी अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ। कांग्रेचुलेशंस। फिर इसी तरह वो सब लोग एक दूसरे को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि भाभी और भैया ने हाँ कर दी। जिमिन देखना, शादी के बाद हमारा शुगर तुम्हें बहुत प्यार करेगा। ओहो शुगा, तुम भी ना कितना शर्माते हो। हाँ भाई, अब शर्माना छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जाओगे? अरे वाह मिसारी, आप तो बहुत आगे की सोचती हैं। डायरेक्ट हनीमून? मॉम वो मेरा कॉल आ रहा है, मैं भी आता हूँ। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया कि शुगा इतना शर्मा के बाहर चला गया? वैसे भी शादी के बाद तो हनीमून पे जाना ही होता है ना मिस्टर जीहो? वो क्या है ना जी, अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो शादी नहीं हुई है ना अभी मेरी। हम तो ठहरे सिंगल जी, अगर कोई होता साथ में तो करते ना मिंगल। अभी मेरे साथ भी मिंगल करने वाला कोई नहीं है क्योंकि मैं भी ठहरी सिंगल। आए हाय, हमारे विचार तो बहुत ज्यादा ही मिलते हैं। अपनी बहन को समझा लो, कुछ भी बोलती रहती है सबके सामने। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मामू की तो अलग ही सेटिंग चल रही है, क्यों ना हम भी सेटिंग कर ले अपनी। जस्ट शट अप। कैसा अजीब इंसान है, जब देखो फ्लर्ट करता रहता है। मॉम बहुत टाइम हो गया, अब हमें घर चलना चाहिए। ऑफिस से कॉल भी आया था। क्या इतनी जल्दी? वैसे टाइम तो हो ही गया है। हाँ जिन, अब हमें चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, शाम भी हो गई है। क्या आप सब इतनी जल्दी चले जाओगे? फिकर मत करिए, हम फिर जरूर आएंगे, अब तो आना जाना लगा रहेगा। वैसे शुगा बेटा, अब तुम हमारे जमीन से मिलने कब आओगे? वो मैं कार में हूँ मॉम, आप लोग आ जाना। फिर शुगा जल्दी से वहाँ से चला जाता है। ओ आयु, ये भी ना बहुत ज्यादा शर्मीला है। ओके अब हम चलते हैं, वरना घर जाते जाते रात हो जाएगी। क्यों नहीं जी, फिर से जरूर मिलने आना आप सब। क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। अब हमें चलना चाहिए जिन, चले घर। आप लोग फिर जरूर आना। क्यों नहीं, हम फिर जरूर आएंगे आपसे मिलने। चलो जिन चलते हैं, बाहर शुगर इंतजार कर रहा है। क्यों नहीं जी, जरूर। मैं अभी तो जा रहा हूँ, पर फिर जरूर आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है आने की, दोबारा मत आना। अरे थांबा थांबा, इतना क्यों गुस्सा करना? घर में मेहमान को कोई ऐसे बोलता है? घर आना भी तो मेरी नजरों के सामने मत आना, वरना मैं सर फोड़ दूंगी। किसका सर? अपना? नहीं तुम्हारा। सर फोड़ने की क्या जरूरत है? तुम आँखें मार दो, मैं ऐसे ही घायल हो जाऊंगा। ऐसे मत देखो, दिल में कुछ कुछ होता है। कथा कहीं का लल्लू लाल। फिर जंकुक और उसकी फैमिली वहाँ से चली जाती है। कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनता है अपने आप को। क्या हुआ तारिता, बोलो। मॉम एक बार पीछे तो देखो, मैं कुछ लेकर आई हूँ। मॉम अच्छा है ना, मैंने से कल ऑर्डर किया था और आज ये आ गया। मॉम इसके हिप्स मूव देखो, अच्छे है ना। शट अप, इसे अब यहाँ से लेकर जाओ। क्या हुआ मॉम, आपको पसंद नहीं आया? इसको देखो मैं डर गई, यहाँ से लेकर जाओ इसे। पता नहीं क्या क्या ऑर्डर करती रहती हो। पसंद नहीं आया तो साफ साफ बोल दो ना। फिर ताया अपना टैडी लेकर वहाँ से चली जाती है। भाई प्लीज, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो ना, सारे खत्म हो गए हैं। अभी कल ही तो दिए थे, इतनी जल्दी खत्म कर दिए। भैया वो तो खत्म हो गए, कल मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद लिए। तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है मैं कर दूंगा, थैंक यू सो मच भैया, मैं चलती हूँ। ओ डैडी, कम ऑन, डोंट स्केयर, इट्स माय डैडी। ताई, यू स्केयर मी। सॉरी बेब्स। अच्छा ये बताइए कैसा है? क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा है। यू नो बुआ, इसे मैंने कल ऑर्डर किया था। ओ माय ब्यूटी क्वीन, तुम इतने सारे पैसे ऐसे फालतू चीजों में क्यों खर्च कर रही हो? देखो पैसे की बात कौन कर रहा है, जो सारे पैसे खुद ही खर्च करती है। ओके बाय डैडी, मुझे ना दी को भी दिखाना है। फिर ताई अपना टैडी लेकर वहाँ से चली जाती है।
मुझे पता है वो इस टाइम क्या सोच रहे होंगे। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी जिमी ने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? क्योंकि मैं जानती हूँ जो अपनी फैमिली से इतना प्यार कर सकता है तो वो मुझसे प्यार नहीं करेगा क्या? ये जानने के बाद भी मैं उसे टाइम नहीं दे पाऊंगा शादी के बाद, काम में बिजी रहूंगा, तभी उसने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी क्यों? आजकल तो वैसे भी सब लोग काम में बिजी रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, पर लोग बिजी होकर भी अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को टाइम देते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मुझे उतना ही टाइम दोगे। दीदू देखो मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। हाँ पर तुम? वो ना मुझे आपको एक चीज दिखानी है। हाँ, क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे? आप डरना नहीं, वो बहुत ही क्यूट है। हाँ ताई, ये क्या अजीब सी चीज है? देश के हिप्स मूव कितने अच्छे है ना। देश में हंसने वाली कौन सी बात है? I'm sorry ताई, वो थोड़ी सी हंसी आ गई, I'm sorry। आप ना बहुत बोल रहे हो। सॉरी ताई, क्या तुम मुझसे नाराज हो गई? अरे मेरी गोलू मोलू, मैं तो बस मजाक कर रही थी बेबी, प्लीज माफ कर दो। I'm sorry ताई, सच में ये बहुत ज्यादा क्यूट है। I know, मैं जानती हूँ क्यूट है। हाँ ये बहुत क्यूट है, और तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो अब? नहीं, वैसे क्या अभी तक आप सोई नहीं? वो बस मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रहे थे आप, जरा मुझे भी बताना था। सच बताओ, कहीं आप जीजू के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। ओ कम ऑन दी, मुझसे तो झूठ मत बोलो। ताई बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। क्या हो रहा है बच्चों, तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रही हो? डैडी आप, हम तो यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे थे। डैड ताई बहुत शैतान है। डैड आपको पता है दी मुझसे कब से पूछ रहे हैं कि अब वो दोबारा जीजू से कब मिलेंगी? हाँ ताई ये क्या कह रही है तुम? डैड ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ताई बेटा जिमिन को परेशान करना बंद करो। डैड पर मैंने कहा परेशान किया उन्हें? जिमिन तुम्हें शुगर कैसा लगा? मुझे तो वो बहुत पसंद है। अच्छा ये सब छोड़ो, और चलो मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझसे एक दो बार और मिलना चाहोगी? क्यों दी बताओ, मिलना चाहते हो जीजू से? नहीं मुझे नहीं मिलना डैड। ओ जिमिन बेटा, ओके अब तुम दोनों सो जाओ। ताई बेटा जिमिन को मत छेड़ना ओके। इतना कहकर जॉनसू वहां से चला जाता है। I'm sorry जीनू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने सॉरी कहा तो। परसों जंकू का बर्थडे है, मैं तुम्हें नेकलेस गिफ्ट दूंगा, उसके बर्थडे के दिन तुम मुझे पहन सकती हो और अपनी सहेलियों को जला सकती हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए रिंग भी ले सकता हूँ। कल नेकलेस और रिंग तैयार रखना। क्यों नहीं जीनू डार्लिंग, देखो सब रेडी रहेगा। डैड बर्थडे मेरा है, मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए। मेरे प्यारे बेटे जंकुक, समझा करो, वो तुम्हारी माँ है। क्या चीता जी, एक नंबर के फट्टू हो। तुम्हारी बहन बहुत खतरनाक है, उसके सामने सबकी फट जाती है। तुम दोनों जो खुसर पुसर कर रहे हो ना, मुझे सब सुनाई दे रहा है। ओ जीनू डार्लिंग प्लीज मुझे माफ भी कर दो, गुस्सा थूक दो ना अब। मेरे पास क्यों आए हो, जाओ ना आयु के पास, उसका हाथ पकड़ो। क्या जीनू डार्लिंग क्या मजाक करते हो, तुम्हारे जैसा क्या कोई है इस दुनिया में? अरे मुझे मस्का लगाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं मानूंगी। जीने के है चार दिन, काश होते पाँच दिन, जिंदगी है बहुत अनमोल। क्या कमाल का डांस है, इसे रिकॉर्ड करना तो बनता है। जिंदगी है गमों से भरी, तो छोड़ो टेंशन, आओ पाजी हम मिल के पिए मलाई माँ की लस्सी। तो छोड़ो टेंशन, जाओ कंपनी से ले लो। अरे वाह कमाल कर दिया मामा, क्या डांस किया है। बंद करो तुम तीनों, ये क्या लगा रखा तुम तीनों ने? बहना गुस्सा क्यों होती है, हम तो बस खुशी मना रहे थे। हाँ मॉम मेरा बर्थडे आ रहा है इसलिए हम खुशी मना रहे थे बस। अगर तुम तीनों को डांस करना है तो अपने रूम में जाके करो, यहाँ शोर मत करो। इस फैमिली ने मेरी नाक में दम करके रखा है, मैं जा रही सोने। इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही पकड़ के बैठे रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो ना, इधर देखो तुम्हारा क्यूट अभी तुमसे माफ़ी मांग रहा है। मेरा प्यारा क्यूट अभी। तुम तीनों यहाँ खड़े होके क्या देख रहे हो, जाओ ना अपने अपने रूम में सो जाओ। चुप हो जाओ। जीजा जी हम सिंगल लोगों को जलाने का मौका नहीं छोड़ते ये लोग। आपने बिल्कुल ठीक कहा मामू, अब लगते हैं रोमांस चालू होने वाला है, हमें अपने रूम में चलना चाहिए है ना। अब जाओ भी तुम तीनों अपने रूम में जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। चलो मामू चलते हैं, वरना कहीं हमारे सामने शुरू हो जाए। तुमने ठीक कहा भांजी, आजकल जमाना बहुत खराब है, अंकल आंटी शुरू हो जाए इससे पहले हमें रूम में चलना चाहिए, फिर वो तीनों वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। जिन ये कितने शैतान है। छोड़ो भी डार्लिंग, वो तो बच्चे हैं, और मेरा भाई भी इन बच्चों में मिला हुआ है। ये सब छोड़ो मेरी तरफ देखो।
जिन, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी, आई लव यू। चलो सो जाते हैं अब। जिन यहाँ मत सो, चलो रूम में चलते हैं। चलो फिर वो दोनों भी अपने रूम में जाके सो जाते हैं। शुका बेटा, फोन में क्या देख रहे हो? हाँ डैड, डैड आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए उसका टाइम देख रहा था। शुका बेटा एक काम करो, शाम को मीटिंग रख लो। ओके डैड, जैसा आप कहो। क्या आप सब भी खाते, टाइम तो कम से कम बंद करो मीटिंग। जंगकुक ऑफिस चलो हमारे साथ, एक बार काम देख लो, ऑफिस घूम लो। क्या? नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैंने कहा ना आज मैं बर्फी के साथ बाहर जा रहा हूँ घूमने। हाँ अंकल, आज हम दोनों घूमने जा रहे हैं बाहर। तुमसे यही उम्मीद थी, नलायक के नलायक ही रहोगे। डैड वो भी छोटा है, उसे एंजॉय करने दीजिए। भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी मेरे मजे करने के दिन है। क्या आप भी खामा का मेरे बेटे को डांटते रहते हो? भांजी क्या मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूं? हाँ क्यों नहीं मामू, जरूर चलिए हमारे साथ। डैड ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हमें भी चलना चाहिए। हाँ चलो शुका बेटा, हम चलते हैं। आप खुद तो बिजनेस और मीटिंग में बिजी रहते हो, और साथ में मेरे बेटे को भी कर रखा है ताकि वो अपनी आने वाली वाइफ को टाइम ही ना दे पाए। ऐसी बात नहीं है, शुगा भी अपने होने वाली वाइफ को पूरा टाइम देगा। डैड अब हमें चलना चाहिए ऑफिस। चलो जंकुक आज बहुत मजे करेंगे, घूमेंगे। ठीक है तुम तीनों जा तो रहे हो, पर शाम को जल्दी वापस आना, ठीक है? ओहो जिमिन पता नहीं कब आएगी, ऐसा क्या हुआ कि वो कल नहीं आई? केसी आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। जिमिन इट्स ओके, सॉरी क्यों बोल रही हो? जिमिन मैम आ गई। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? मैम आप कल क्यों नहीं आए? जिमिन तुम्हें पता है इन बच्चों ने कल तुम्हें बहुत याद किया क्योंकि कल तुम नहीं आए थे। सॉरी केसी, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। इट्स ओके जिमिन, कोई बात नहीं। और वैसे तुम कल क्यों नहीं आई थी, क्या कोई इम्पोर्टेंट काम था? मैं तुम्हें फोन करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कहीं तुम बिजी तो नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। वो कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे इसलिए मैं नहीं आ पाई। ओहो शादी फिक्स हो गई तुम्हारी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारा होने वाला हबी कैसे दिखता है? जाओ भी तुम, मुझे मेरी क्लास लेनी है। ठीक है जा रही हूँ, बट बाद में मुझे जरूर बताना कि वो कैसे दिखता है। पता नहीं कब आएगी, इतना टाइम लगा रही है। 5 चिप्स के पैकेट खरीदे थे, सारे खत्म कर दिए मैंने। आने दो इसे, मैं इसे बताऊंगी। हाँ लगता आ गई। तैयार होके तो ऐसा है जैसे पार्टी में जाना है। इतना लेट कहाँ हो गया था महारानी? सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया, मैं बस रेडी हो रही थी। अच्छी बता मैं कैसी लग रही हूँ? तुम बस मुझसे मिलने आ रही थी। वैसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर ऐसी बात करते हुए वो दोनों कैफे में जाते हैं, जो कि उस कैफे में जंकुक भी आया होता है। मामू कुछ मजा नहीं आ रहा है, बहुत शांति है। भांजी क्या तुम कैफे में नागिन डांस करना चाहते हो? नहीं मामू, काश मेरी नागिन इस कैफे में आ जाती। जंकुक तेरी बात सच हो गई, वो देख तेरी हसीना आ रही है। हसीना? कहाँ हसीना, मुझे भी हसीना देखनी है। यही हसीना है, ये तो ताई अपनी। मामू यही वो हसीना है जिसने हमारे जंकुक के दिल पर वार किया है ना जंकुक? हाय मेरा भांजा कितना लफंगा हो गया है। क्या मामू, उसने पहली बार तो किसी लड़की से प्यार किया है। देखना तो कैसे वो दोनों हमें घूर के देख रहे हैं। ये बेवकूफ यहाँ भी? हाँ ताई, उसने तुझे आंख मारी, क्या तूने देखा? हाँ देखा मैंने। ताई क्या तुम इसे जानती हो? हाँ मेरी बदकिस्मती से मैं इसे जानती हूँ। कौन है, बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं ऐसे लल्लू लाल को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। उसकी शक्ल देखी, खरगोश की तरह। क्यों, क्या वो इतना बुरा है? वो बुरा नहीं है, वो बहुत ज्यादा ही बुरा है। तुम्हें पता है हम दोनों प्लेन में मिले थे और वो प्लेन से मेरा पीछा कर रहा है, और पीछा करते करते मेरे घर तक पहुँच गया, उसके बाद अब यहाँ कैफे में भी। भांजे पागलों की तरह हंसो मत, वो तुम्हें देखकर गाली दे रही है। अरे वाह जंकुक, वो कौन है? मुझे तो लगता है उसकी फ्रेंड है।
ठीक कहा, ये तो बहुत बुरे हैं।